हेलो डियर साइंस, स्वागत है आपका सत्यार्थ क्लासेस पे। आज आपके लिए जो क्लास है वो मेनली अपने स्टार्ट होने वाली है जीएमसी की पार्ट वन। और यहाँ पे अपने जीएमसी की जो फर्स्ट क्लास इसके अंदर अपन लेने वाले हैं पार्ट जो सी है, वहाँ से आरटीआई का, ठीक है, मीडिया लॉ से रिलेटेड पार्ट है, जिसके अंदर से पहले के जो आपके लिए क्वेश्चन आए थे उसमें से अभी तक टोटल अपने 3 क्वेश्चन आ चुके हैं जो मेनली अपन कंसिडर करेंगे। उन 3 क्वेश्चन के बेस पर मैं आपके लिए कंटेंट भी लेके आया हूँ, सेम कंटेंट आपके लोग पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पर अपन स्टार्ट करने वाले हैं मेनली वो है पूरा आरटीआई की स्टार्टिंग, कहाँ कहाँ से क्यों आरटीआई की भारत में जरूरत पड़ी हो, क्यों विश्व क्यों एक तरह से आरटीआई की जरूरत पड़ी हो, कब से कौन सा ऐसा देश था जिसने सर्वप्रथम आरटीआई की स्थापना करी एक तरह से सूचना के अधिकार की, और सूचना का अधिकार अपने भारत में कैसे लागू हुआ, किस तरह से इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई, कब से शुरुआत होके और अंत में कब इसका रेगुलेशन इंडिया के अंदर हुआ है, कौन कौन इससे जुड़े हुए तथ्य हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से किस किस प्रकार की सूचनाएं किस किस विभाग से किस तरह से निकाली जाती है, उसके बारे में अपन संक्षिप्त में जानकारी लेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपन पार्ट वन कवर करने वाले हैं, जिसमें अपन कंप्लीटली इसका बेसिक ऑफ आरटीआई अपन लेने वाले हैं, जिसमें आपको बेसिक ऑफ आरटीआई के अंदर हर एक बारीकी से वो चीज़ बताई जाएगी जो जो रिलीवेंट डाटा हिस्ट्री से हो, चाहे वो पर्टिकुलर आरटीआई से हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल जो कि सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता का, जो एक तरह से सूचना का अधिकार बिल बाद में आया था, पहले सूचना की स्वतंत्रता बिल आया था जो सन 2002 की बात है, उसके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय और पहले की जो सरकारें थी जिन्होंने एच पी देवगौड़ा की सरकार की बात करें तो उन्होंने जो जो ये बिल बनाए थे, जो जो ये बिल की प्रस्तावना करी थी 1996 से स्टार्ट हुआ था, और 1997 में क्या होता है 1970 और 75 में जब उस समय पे हमारे देश के अंदर जब आंतरिक आपातकाल लागू होता तब किस तरह किस अनुसार आवश्यकता पड़ी अपने सूचना के अधिकार की, तो इसके बाद में वास्तविक रूप से सूचना का अधिकार कब 1990 में राजस्थान में चालू हुआ, राजस्थान में कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे राजस्थान की उस वो एक तरह से सूचना के अधिकार की नींव स्थापित हुई जो कि मजदूर किसान आंदोलन की बात करें, ग्राम पंचायतों से सूचना निकालने वाली अरुणा राय की बात करें, ठीक है, अरविंद केजरीवाल का भी इनके इस आरटीआई के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है, उस एक एक बात बारीकी से अपन करने वाले हैं आरटीआई के संबंध में, ठीक है। अभी मैं आपको वर्तमान में जो पूरा कंटेंट जो देने वाला हूँ वो आपको वर्तमान में बच्चों में पीडीएफ में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक्चुअली आई वॉन्ट दिस कंटेंट इन द रिटन एंड टाइप फॉर्म, बट मैं अभी जो कंटेंट है वो सारा आपके पास रिटर्न फॉर्म में है, एंड डोंट बी पैनिक, मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ वो इतना रिलीवेंट है, इतना कंसाइज, इतना सही तरीके में, इतना अच्छे से बेहतर तरीके से मैंने इसको लिख रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि टाइप्ड फॉर्मेट हो, देन इट वुड बी मोर इजियर फॉर मी टू डिलीवर द लेक्चर, और आपको पूरा मतलब आपके स्क्रीन के सामने है, मैं आपको सिर्फ बता सकूँ, आपको डिलीवर कर सकूँ, जिससे आप पूरी जानकारी पूरे तथ्य पूरे आंकड़े अपने दिमाग में समा सकें, आपके दिमाग में उसी समय पर स्टोर हो जाए जिस समय पर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग कि मैं आपके लिए सिंगल मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ही कंप्लीट नहीं लूँ पार्ट बी सी डी, मैं अकेला नहीं लेके, मैं एक दो फैकल्टी और चाह रहा हूँ जो फैकल्टी आपके लिए प्रोवाइड हो जाए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जब तक मैं अपना कंटेंट जो तैयार कर रहा हूँ तो कंटिन्यू है, लेकिन आई नीड मोर फैकल्टीज फॉर यू, जैसे पॉलिटिकली आपके आपके लिए फैकल्टी के रेडियो वीडियोज रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन आई वॉन्ट द अंदर फैकल्टी जो उससे भी बेस्ट है, चाहे मैं चाहता हूँ कि जो 76 सीट्स हैं वो अपने इस एप्लीकेशन से चाहे 100 बच्चे जुड़े तो वो उनमें से ही निकल जाए, ठीक है, जिससे कंटेंट अपन इतना अच्छा देना चाह रहा हूँ कि भाई अगर वक्त अपने पास जो आ रहा है, वक्त अवेलेबल है, उस टाइम का इस तरह से मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं दिन के 2 वीडियो भी आपके 3 वीडियो भी डालूँ तो उन 2-3 वीडियो से जीएमसी वाले पार्ट से जैसे पार्ट बी का एक वीडियो आपको मिल गया, पार्ट सी का एक वीडियो मिल गया, पार्ट डी का आपको एक वीडियो मिल गया, इससे होगा क्या कि आपको पर्टिकुलर मीडिया लॉज का जब अपन बात करें डिजिटल मीडिया मीडिया लॉज और इसके अलावा इन्फो अपने लॉ इन्फॉर्मेशन की, तो वहाँ से एक वीडियो आपको डेली मिल रहा है, आपको एडवर्टाइजिंग पीआर वाला पूरा टॉपिक अलग पढ़ाया जा रहा है, आपको रिपोर्टिंग टेक्निक वाला पूरा एक कंटेंट अलग पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मैं अप्रोच कर रहा हूँ हर एक यूनिवर्सिटी भी मैं तो जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे, मैं कभी भी यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज के पास नहीं जा रहा, मैं पर्टिकुलर आपके लिए जा रहा हूँ उन बंदों के पास में जो ये जानते हैं कि करंट रिलीवेंट डाटा कौन सी फैकल्टी पढ़ाने का दम रखती है, कौन सी फैकल्टी बिल्कुल यंग है जो आपको मेहनत करके पढ़ा सके, क्योंकि भाई आपको सबको पता है कि बूढ़े बुजुर्गों में वो क्षमताएं नहीं है पढ़ाने की जो अभी करंट ट्रेंड के अंदर है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, कैसे क्वेश्चन निकलता है, क्योंकि उसी बेस पर मैं आपके लिए कंटेंट डेवलप करके लाया हूँ, तो आप निश्चिंत होकर पढ़िएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा कि सर सिलेबस कवर होगा नहीं होगा, वो जिम्मेदारी सब मेरी है, हमारी जिम्मेदारी है कैसे सिलेबस कवर कराना है, कैसे आपको क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, कैसे आपकी 15 तारीख से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होंगी जो कि कंप्लीट फुल फ्लेज 100 100 जो आपके 120 क्वेश्चन है उनकी टेस्ट सीरीज रहेगी,
ठीक है, तो वो हमारी जिम्मेदारी हम कर रहे हैं, तो आप इस आप अपनी तरफ से निश्चिंत रहें, आपको जो करवाया जाए आप उतना पढ़ते रहे हैं कंटिन्यू रूप से। मैं सिर्फ वो चाह रहा हूँ जो आपके लिए बेस्ट हो, कैसे भी अवेलेबल हो, मैं आपको चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे 1 लाख देने पड़े, चाहे 2 लाख देने पड़े, मैं झिझकूंगा नहीं, क्योंकि दिस इज माई फर्स्ट बैच। मैंने अपना मेन बैच लाइब्रेरी साइंस का होल्ड करके आपके लिए मैंने डिलीवरी दी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको डिलीवर लेक्चर करके मैं एक रिजल्ट, एक अर्ली प्रोसेस में रिजल्ट लेके आ सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर होगा, एग्जाम लगता है, क्योंकि वन सिंगल डे एग्जाम है, रिजल्ट लगेगा एग्जाम का, अपना एग्जाम लगेगा, कंडक्ट होते हैं आफ्टर कंडक्टिंग ऑफ एग्जाम, हार्डली अपने 30 डेज के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा, 30 to 45 डेज में, और 50 दिन के अंदर आपका, मतलब जैसे 45 डेज में रिजल्ट आया, 30 to 45 डेज में, और आपका DV होके आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो मतलब 60 डेज की प्रोसेस में सारा काम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ भाई रिजल्ट शो करना, ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कंटेंट के ऊपर आते हैं, पूरा कंटेंट जो आपके लिए मैंने बनाया है वो पूरा हिंदी, अभी मैंने खुद के हाथ से लिखा हुआ रिटर्न फॉर्म में है, आपको इसकी PDF फाइल अभी नहीं मिलेगी, लेकिन बाद में जैसे ही टाइपिस्ट की अवेलेबिलिटी, देखो आया था बंदा लेकिन मज़ा नहीं आया मेरे को, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जो कंटेंट मिले पूरा टाइप फॉर्मेट मिले, जिससे आपको वो चीज़ बहुत ही बेस्ट मिले। तो थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए भाई, हम नहीं चाहते आपको हिंदी जो सर पढ़ा रहे हैं वो कंप्लीट हिंदी आप पर्टिकुलर सर लिख रहे हैं फिर आप उसको लिखो, मैं ये भी नहीं चाह रहा मैं आपको जो पर्टिकुलर दे रहा हूँ वो सारा सारा आपको लिख के दूँ, भाई मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं पर्टिकुलर कर रहा हूँ वो बंदा एक पेज दो पेज लिख के दिए उसने टाइप कर दिए, 4 पेज लिख के दिए टाइप कर दिए, 5 पेज लिख के दिए टाइप कर दिए, मैं टाइपिंग चाहता हूँ पूरी की पूरी कंटेंट की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस बना रखो, थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, आपका पूरा कंटेंट अच्छे तरीके से मिलने वाला है भाई, यहाँ मजाक नहीं चल रही मेरे पास में, ठीक है, वो मैं मजाक करता भी नहीं हूँ। किसी भी क्लासेस के अंदर में को आप देखेंगे, किसी भी लेक्चर के अंदर में आप सारे वीडियो उठाएंगे ना यूट्यूब पे, सब इस अपने मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ट्रू हैं, बहुत नेटिव नेचर से हैं। अगर किसी बच्चे को समस्या हो, एक बच्चे को समस्या आई थी सर हमारा मेरा पैसा डूब गया, तो मैंने उसको रिटर्न भी कर दिया, लिया भाई पैसा पहले पैसा पकड़, क्यों, क्योंकि हमें ट्रस्ट जरूरी है, ट्रस्ट आपके अंदर है तो हम आपको एफर्ट करके देंगे, और हमें आपसे रिजल्ट भी चाहिए। हम एक तरह से ऑनलाइन मोड पे हैं, बट वी आर नॉट ऑनलाइन राइट नाउ, हम ऑनलाइन मोड पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, बट मैं ये मानता हूं कि आपका इंटरेक्शन हमारे साथ कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, हमारा इंटरेक्शन आपके साथ हो रहा है, तो डेफिनेटली हम ये चाहते हैं कि इंटरेक्शन जो बना रहे वो कंटिन्यू बना रहे इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन बन के आपका रिजल्ट हमारे साथ के साथ आपका रिजल्ट भी आए, ठीक है। डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज के सेशन जो है कि RTI सूचना का अधिकार, ठीक है, आइए बढ़ते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर सूचना के अधिकार की बात करें अपन, तो सूचना के अधिकार जो है वास्तविक रूप से इसकी मूल अवधारणा स्वीडन ने रखी थी, स्वीडन जो देश था वहां से रखी गई है, लेकिन इसके बारे में अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और अगर इसकी बात करें सूचना के अधिकार के साथ में वर्ड सूचना की, अगर अपन सिर्फ सूचना की बात करते हैं इंफॉर्मेशन, तो इसका जो पर्टिकुलर शब्द निकला है ये लेटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया आपका, लेटिन भाषा से ये शब्द लिया गया था, जो कि वास्तविक रूप से क्या है, लेटिन भाषा से लिया गया शब्द, उसको कहलाता है फॉर्म या फिर फॉर्मेशन, ठीक है, ये दो शब्द लिए गए आपको जो नोटिंग में भी दिखने वाले, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। एक एक चीज अपन बारीकी से लेके चलेंगे, इतना अच्छे से कंसाइज वे में मैंने आपके पर्टिकुलर नोट्स बनाए हैं, आप खुद सोचेंगे कि सर बहुत कंटेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्रिस्प कंटेंट है, जिससे आप निश्चिंत होकर अपने प्रिपरेशन को एक फुल फ्लेज मार्क्स दे सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ, इस कंटेंट को बाहर मत आने देना बच्चों, अगर आप इस कंटेंट को बाहर लाके दे दोगे किसी को, तो आपका 200 का दूसरा बंदा इन नोट से सिलेक्शन ले जाएगा, मुझे मत कहिएगा सर ये क्या हो गया, ठीक है, इसलिए मैं अभी आपको प्रिंट फॉर्म में नहीं दे रहा, मैं बाद में देना चाहता हूँ, आप एक बार पढ़ते रहें वीडियोज में, आपके जो बनता है वो बनाते रहें, मैं डाल दूंगा निश्चिंत रहें, लेकिन भाई बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा कि आप एक भी कंटेंट बाहर मत दीजिएगा किसी भी कीमत पे, आपको कोई 10,000 भी देना है ना भाई मत दे देना, उसको बोल देना कि भाई बेस्ट ले लो जाके, अगर ज़्यादा शौक है तो बेस्ट ले लो, मैं अपने नोट्स नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे। अगर आप इन नोट्स को क्या करोगे, अगर आप बेच दोगे दे दोगे किसी को, तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि इन नोट्स से बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा, जो क्वेश्चंस बनाएंगे उससे सिलेक्शन ले जाएगा। देखिएगा, सूचना का अधिकार, अपन बात करते हैं सूचना के अधिकार की, राइट टू इन्फॉर्मेशन की, जो कि वास्तविक रूप से सूचना का अधिकार है, और सूचना की स्वतंत्रता के तौर पे इसको माना जाएगा, क्योंकि यही वो अधिकार है जिससे अपने किसी भी विभाग, किसी भी जानकारी, किसी भी लोक सूचना अधिकारी से अपन क्या ले सकते हैं, सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार हमें वास्तविक रूप से दिया गया है, वो यही अधिकार है, वो यही एक्ट है जो कि सूचना के अधिकार का अधिनियम के तौर पर माना जाता है, जो कि एक्ट के तौर पर माना जाता है, ठीक है, अधिनियम माना जाता है, एक्ट है ये पर्टिकुलर, जो कि संसद द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति ने अनुमोदन करके, राष्ट्रपति से अनुमोदन लेके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में इसे घोषित किया गया, बाजी तो है भारत की, ठीक है बात, लेकिन सूचना प्रारंभ कहां से होती है, देखो भाई सूचना का जो शब्द है पर्टिकुलर, जो शब्द है ये शब्द लिया गया था फॉर्मेशन वर्ड से, जो कि एक लेटिन भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द है, जो कि वास्तविक रूप से आया है फॉर्मेशन या फॉर्म से, मतलब फॉर्मेशन किसी भी चीज का निर्माण, किसी भी चीज के एक
पर्टिकुलर उसका प्रकार जो है, उसकी फॉर्मेशन जो है, उससे लिया गया है, जो कि कहलाता है सूचना। ठीक है, अगर विश्व में सर्वप्रथम अपन बात करें, अगर अपन विश्व में बात करें कि फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम पर्टिकुलर कोई बात करें, तो ये सूचना की अवधारणा कहाँ दी गई थी, उसका कंसेप्ट कहाँ दिया था, कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ दिया गया था, तो वो दिया गया था स्वीडन ने। कहाँ पे दिया गया था? स्वीडन राष्ट्र के अंदर। ठीक है, स्वीडन कंट्री के अंदर यहाँ पे दिया गया था, जहाँ पे इसका जन्म हुआ। ठीक है, वास्तविक रूप से इसकी अवधारणा कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वहां से हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये सन 1766 में एक आरटीआई लो यहाँ पे पारित किया गया था। तो सबसे पहले विश्व में आरटीआई लो पारित करने वाला देश, पहला प्रश्न आपका, सबसे पहले विश्व में आरटीआई लो अगर किसी देश ने पारित किया है तो किसने पारित किया है 1766 में। ठीक है, आरटीआई लो फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट आरटीआई लो पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो 1766 में किसने पारित किया भाइयों, प्यारे बच्चों, 1766 में पारित किया था स्वीडन ने। किसने पारित किया? स्वीडन ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके पश्चात सन 1951 में फिनलैंड ने, जो मैंने बकायदा आपके सामने लिख रखा है, नॉर्वे ने 1970 में, 1966 में यूएसए ने। ठीक है, 1966 में यूएसए में। अब ध्यान रखिएगा, यहां पे तो ये सारे के सारे नियम पास हो गए। देखो, स्वीडन में पास हो गया है ना, और फिनलैंड में पास हो गया, नॉर्वे में पास हो गया, अमेरिका में पास हो गया, लेकिन अभी तक ब्रिटेन में इसकी ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो है यहाँ पे उस समय पे राज कर रहा था, भारत में शासन कर रहा था, तो वहाँ पे ज़्यादा, जब 1947 की बात करें तो वहाँ पे राज कर रहा था, वहाँ पे उस समय पे अपने यहाँ भारत के अंदर वो बिल्कुल राज के तौर पे था, दबा रहा था, कुचल रहा था, तो अधिकारों का हनन यहाँ पे हो रहा था, और इन अधिकारों के हनन के बाद में भी वो जाते जाते उस वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ नहीं था, इसका तो इन्होंने वो अवधारणा दी ही नहीं। ठीक है, देश को उदाहरण जाते जाते मोस्ट ऑफ नियम तो अपन लिए गए हैं, जैसे यूएसए से लिए गए हैं कई अधिकार, ठीक है, और ब्रिटेन से भी लिया गया है, तो वास्तविक रूप से जो भारत में आया वो उसके बाद में स्थापित हुआ, कब हुआ भी देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में वर्तमान में अभी तक कुल 85 देशों में आरटीआई एक्ट पारित हो चुके हैं, लेकिन भारत में जो आरटीआई एक्ट की प्रथम अवधारणा आई है, जो आंतरिक आपातकाल इंटरनल जो इमरजेंसी लागू हुई, क्या लागू हुई? इंटरनल इमरजेंसी लागू हुई थी, जो लागू हुई थी अपने इंदिरा गांधी के समय पे। ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी लागू हुई इंदिरा गांधी के समय पे, उस समय पे इंदिरा गांधी सरकार ने पूरा दबाने के लिए, पूरा अपना कब्जा करने के लिए देश के अंदर एक तरह से आंतरिक आपातकाल लागू करा। ठीक है, उस समय पे युद्ध का समय था, आपको पता है चीन से युद्ध हुआ था उसके बाद में, तो उसके बाद की स्थिति है जब यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सन 1975 और 1977 के बीच में जब आंतरिक आपातकाल लागू हुआ उस दौरान इन्होंने, इंदिरा गांधी की सरकार ने थोड़ा सा अपने शक्तियों का दुरुपयोग करा, और दुरुपयोग के साथ में उनके अधिकार जो थे, जो जनता के अधिकार थे, उनका पूर्ण रूप से हनन किया। इस स्थिति को देखते हुए सन 1977 में देश के अंदर वास्तविक रूप से इसकी अभिव्यक्ति हुई। अभिव्यक्ति मतलब इट इज एक्सप्रेस्ड इन ए वाइड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एक वास्तविक रूप से वाइड कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये पूरा आया कि भाई सूचना का अधिकार तो देश में आना ही चाहिए, जिससे कि एक आम आदमी के पूरे अधिकार उसे मिल सके और वो जान सके कि सरकार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और एक तरह से जो सिटीजनरी है, जो सिटीजनरी है, उसे एक तरह से पूरे सूचना से अवगत कराया जा सके। ठीक है, वो कहलाता है इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी। क्या कहलाएगा वो जो सिटीजन होगा पर्टिकुलर, वो कहलाएगा आपका इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, जो पर्टिकुलर ये माना जाएगा, जो माना जाएगा कि आप पर्टिकुलर क्या है, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन है, जो कहलाएंगे इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसी जनता जो अपने आप में जागरूक हो, जिनको पूरी तरह की सूचना प्राप्त हो, वो जनता कहलाती है इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम सन 1987 में भारतीय विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट, कब, 114वीं रिपोर्ट में ग्राम पंचायतों, ध्यान रखिएगा 1987 में, तो अगर भारत की बात करें तो 1987 में, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट एक बार कर लेता हूं जिससे आपको थोड़ा दिखने में थोड़ा बेटर रहे, और एक सेकंड रुकिएगा, आपके लिए मैं जूम इन थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं जिससे आपको समस्या नहीं हो। नहीं हो रहा भाई, ये क्या चक्कर आ रहा है। चलो कोई ना, इसमें अपन कंटिन्यू कर लेंगे वैसे तो, बट मैं चाह रहा था थोड़ा सा अगर जूम आउट जूम इन हो जाता जिससे आपको बेटर हो जाता, शायद ये सिस्टम अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, देखते हैं। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो अपन कहाँ थे,
इन्फॉर्म सिटीजनरी पे अपन चल रहे थे, इन्फॉर्म सिटीजनरी की बात कर रहे थे और देश के अंदर जो आया सन 1987 में भारतीय विधि आयोग की स्थापना हुई। कब? 1987 में, जहां की विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट आई थी। कौन सी रिपोर्ट आई थी विधि आयोग की? ध्यान रखिएगा, 114वीं रिपोर्ट में, 114वीं रिपोर्ट किसकी? भारतीय विधि आयोग की। भारतीय विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट कब प्रकाशित करी गई थी? 1987 में। 1987 की रिपोर्ट के अंदर यहां पे ग्राम पंचायतों के अंदर सूचना की सिफारिश हुई। तो भारत में पहली बार कब ग्राम पंचायतों की सूचना की सिफारिश करी गई थी? प्रश्न सीधा आपका क्या है? 114वीं रिपोर्ट 1987, भारतीय विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर अपन बात करें आरटीआई की वास्तविक खोज की, अगर आरटीआई की रियल जो सर्च है, रियल जो खोज है, वो कब हुई? तो भाई साहब 1990 अरुणा राय के समय पे मजदूर किसान संगठन, ध्यान रखिएगा, मजदूर किसान संगठन राजस्थान में करी गई थी। यहां पे इन्होंने क्या डिमांड करी थी मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहां पे इन्होंने डिमांड करी थी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों के, मतलब जो भी डेवलपमेंट हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, दो डेवलपमेंट जो रूरल एरियाज में हुए हैं उनकी पूरी जानकारी हमें प्रदान करी जाए। जिसका परिणाम क्या रहा कि राजस्थान के अंदर सन 2000 के अंदर पर्टिकुलर आरटीआई अधिनियम लागू हुआ। तो राजस्थान एक तरीके से आरटीआई अधिनियम लागू करने में, मतलब जो प्रथम राष्ट्र थे, प्रथम राज्य थे, मतलब राज्य तो प्रथम अन्य है, पहल गोवा ने करी थी, प्रथम राज्य बना तमिलनाडु, लेकिन राजस्थान उन प्रथम राज्यों में से है, उन सर्वोच्च राज्यों में है जिसमें आरटीआई का जो अधिनियम है अलग से लागू हुआ। और इन अधिनियमों को देख के ही कि राजस्थान में लागू कर दिया, गोवा में लागू कर दिया, दिल्ली में लागू कर दिया, मुंबई जो महाराष्ट्र था महाराष्ट्र में लागू कर दिया, इन सबको देखते हुए तो केंद्र सरकार ने यह सोचा कि अब आरटीआई का अधिनियम लाना पड़ेगा। और 1996 में जो चुनाव हुए थे उनके अंदर यह निर्धारित किया गया कि भाई साहब अब आरटीआई का अधिनियम लाने के लिए जो घोषणा पत्र चुनाव से पहले जारी करते हैं उनमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई हमारे अब आने वाले चुनावों के अंदर जो हम अगर हमारी पार्टी जीतती है, ध्यान रखिएगा, जो अगर कांग्रेस कहती है कि भाई हम आरटीआई का अधिनियम लेके आए, नो, दे हैव नेवर कंसिडर्ड आरटीआई एक्ट इन देयर पर्टिकुलर, जो भी अमेंडमेंट उन्होंने दिया, जो भी उन्होंने घोषणा पत्र दिया चुनाव के समय पे, उन्होंने कहीं पे भी इन्होंने आरटीआई एक्ट की बात ही नहीं करी थी। कांग्रेस यूपीए सरकार ये नहीं चाहती थी कि आरटीआई एक्ट आए, ध्यान रखिएगा पहली बात। 1996 के अंदर जब पर्टिकुलर चुनाव होने वाले थे उस समय पे यूपीए गवर्नमेंट को छोड़कर सभी अन्य पार्टियों ने आरटीआई एक्ट को अपने पर्टिकुलर घोषणा पत्र में ये दिया था कि हम आरटीआई एक्ट जैसे ही हमारी सरकार आती है उसके 6 माह के भीतर या 3 माह के भीतर हम उसे लागू करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे, आगे पढ़ते हैं, देखिएगा। तो सन 2000 के अंदर राजस्थान में आरटीआई का अधिनियम लागू हुआ, जिसका आधार क्या था? 1990 का क्या आधार था? मजदूर किसान संगठन राजस्थान, क्या जो इसमें डिमांड करी गई थी, क्या डिमांड करी गई थी वहां पे? ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्य हैं उनकी डिमांड हुई थी, वो प्रमुख डिमांड इसमें करी गई थी। ठीक है, देखते हैं आगे, फर्जे लेके चलते हैं। भारत में आरटीआई के कानून की सर्वप्रथम पहल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। किसने करी थी भाई सर्वप्रथम पहल? करी थी गोवा। गोवा ऐसा राज्य था जिसने पहल करी थी। बट यहां पे आपको क्वेश्चन प्रश्न के अंदर स्पष्ट रूप से गोवा भी उत्तर में मिलेगा, आप मत लगा दीजिएगा गलती से। कई बच्चे लगा के आएंगे तो भाई खुश हो जाना, लगाओ, लेकिन यहां पे हम क्या कहेंगे कि भाई थोड़ा हंसते भी रहना, ठीक है, मैं थोड़ा हंसता कम हूं लेकिन आप हंसते रहना। यहां पे किसको प्रथम माना गया? तमिलनाडु को, मतलब गोवा बिल्कुल भी पूर्ण रूप से क्या नहीं है, पहल करने वाला राज्य है, लेकिन इसने आरटीआई एक्ट लागू नहीं किया था। सबसे पहले आरटीआई एक्ट पूरे देश में सर्वप्रथम लागू किया गया था किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा, तमिलनाडु राज्य के द्वारा। और यहां आज भी एक तरह से आरटीआई का बहुत अच्छा दबदबा है, अच्छा, मतलब लोग जानकारी रखते हैं, बहुत अच्छी सूचनाएं भी लेते हैं। मेरी भी आरटीआई बताऊंगा भाई, अभी आरएसएमएस से रिपोर्ट नहीं दे रहा, बहुत समय से आरटीआई लटका रखी, आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में आरटीआई कानून लागू हुआ, कब लागू हुआ भाई साहब? सीधी सी बात है 1997 में ही लागू हुआ था, जो यहाँ पर्टिकुलर नहीं लिख रखा, लेकिन आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1997 में ही तमिलनाडु में लागू हुआ था, लेकिन गोवा से पहले हो गया था, ठीक है। गोवा कौन सा राज्य था? गोवा सेकंड राज्य था आरटीआई एक्ट लागू करने के अंदर, मतलब आरटीआई एक्ट कौन से वाले? आप सोचोगे सर आरटीआई एक्ट 2006 वाला, 2005 वाली बात कर रहे हो, नहीं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये राज्य के सूचना आया
राज्य सूचना अधिनियम, ध्यान रखिएगा ये क्या है, सारे के सारे राज्य सूचना अधिनियम, मतलब आरटीआई एक्ट कहाँ के हैं, राज्य वाले, ध्यान रखिएगा। इन्होंने कौन से आरटीआई एक्ट निकाले, सिर्फ और सिर्फ राइट टू इंफॉर्मेशन, किसके आधार पे, राज्य के अंदर, कि उनके राज्य और उनके राज्य अपनी जनता को, अपनी जो भी जनमानस है उनको क्या देना चाहता है, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजनी बनाना चाहता है, और जनता की जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, जो भी कार्य जनता कर रही है, जो भी कार्य सरकार कर रही है, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता है। ठीक है, आगे बात सुन में, तो तमिलनाडु राज्य में प्रथम बार 1997 में, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो प्रथम बार तमिलनाडु ने इसे लागू किया था। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कर्नाटक की। ठीक है, कर्नाटक ने 2000 में, राजस्थान ने 2000 में, तो राजस्थान कर्नाटक ने दोनों में एक साथ, तो राजस्थान और कर्नाटक की अगर बात करें तो दोनों ने एक साथ, ध्यान रखिएगा, अधिनियम लागू किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात सन 2001 और 2002 के अंदर दो राष्ट्रों में लागू हुआ, 2001 में तो दिल्ली में और 2002 के अंदर महाराष्ट्र में, असम में, लेकिन एमपी में आया ये 2003 के अंदर। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से दिल्ली और महाराष्ट्र की जनता ही सबसे अधिक आरटीआई एक्ट का क्या करती है, प्रयोग करती है, मतलब आरटीआई का जो एक्ट का वास्तविक प्रयोग कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर रही है, दिल्ली और पर्टिकुलर अपने महाराष्ट्र की जनता। जहाँ राजस्थान में इतना ज़्यादा यूज नहीं होता, अभी राजस्थान में आपने देखा भी होगा जो गोदारा जी थे वो आरटीआई कार्यकर्ता थे, उनके हाथ पैर तोड़े गए हैं, कीलें ठोक दी गई हैं घुटनों के अंदर। ठीक है, बाड़मेर के, बाड़मेर का है मामला अभी रिसेंटली, तो आरटीआई कार्यकर्ता के उनके ऊपर तो मतलब बहुत हालत खराब करी गई है, मार मूर के पटक दिया गया है उनको, बहुत मारा गया है और बहुत ज़्यादा वो इंजर्ड हैं अभी करंट में, हॉस्पिटल में 3-4 महीने लगेंगे उन्हें ठीक होते होते। तो हमारे जैसे आरटीआई कार्यकर्ता बनने में भी बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है भाई, जेल तक देखनी पड़ जाती है कभी कभी अगर आप आरटीआई कार्यकर्ता बनते हो फर्जी केस। ठीक है ना, जैसे हमने देखे थे, बताएंगे, कभी चर्चा करेंगे, क्लासेस के अंदर ही चर्चा करेंगे, आजकल यूट्यूब पे चर्चा नहीं करते हैं इनकी। ठीक है, चलिए, तो सूचित नागरिक के इरादे से, मतलब सूचित नागरिक कौन होता है, देखो मैंने आपको ऊपर बताया था एक वर्ड, वो क्या कहलाता है, इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, मतलब ऐसा नागरिक जिसको अपने राज्य के संबंध में पूरी जानकारी हो, मतलब वो ये चाहती है सरकार की भाई हमारे जो सिटीजन है वो पूरे क्या रहें, उनको अपनी सरकार के बारे में, अपनी जो भी उनकी सरकार है चाहे केंद्र की हो राज्य के बारे में पूरी जानकारी उन्हें रहे, और उसके बारे में ये पूरी जानकारी रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को व्यक्त करते हुए सूचना की स्वतंत्रता विधेयक, कौन सा विधेयक, सूचना की स्वतंत्रता विधेयक कब पास हुआ, सन 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर को संसद में प्रस्तुत किया गया था, कौन सी सरकार ने, भाई बता देता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, आज उनका जन्मदिवस है उनको, तो आप सभी को उनके जन्मदिवस के हार्दिक शुभकामनाएं, ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी है ना, तो इनकी सरकार ने प्रथम बार राज्य में संसद में जो क्या प्रस्तुत किया, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, जो कहलाता है द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल, जो पर्टिकुलर क्या कहलाता है, द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल। ठीक है, द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल, और इस इंफॉर्मेशन बिल में मुझे एक्चुअली बिल एग्जैक्ट तो मैंने कुछ पहले, बहुत पहले का पढ़ा हुआ है, लेकिन इस बिल का भी रिसेंटली मेरे को फाइल मिल नहीं रही, क्योंकि बहुत सारा फाइल देख ली मैंने लेकिन मेरे को ये वाला बिल नहीं मिला, सर्च करके और देख लूंगा। इस बिल में बहुत ज़्यादा बेटरमेंट था, बाद में यूपीए सरकार ने आते ही इसमें पूरा बदलाव कर दिया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ये मानते थे, उनकी सोच ये थी कि जनता से हम हैं, हम जनता से नहीं। ठीक है, जनता है तभी हम हैं, अगर हम हैं तो हमसे हमारी जनता नहीं है, हम हमारी जनता जो है हम ही उनके क्रियाधार नहीं है, जनता हमारी क्रियाधार है, जनता जो चाहती है वही इस देश के अंदर होगा, और जनता को पूरी सूचना, उनकी सरकार कैसे चलती है, सरकार का में काम कैसा होता है, सरकार का तंत्र कैसा होता है, उसके पूरी जानकारी उन्होंने पूरे अच्छे तरह से इस बाल को प्यास किया था। लेकिन ये बिल वास्तविक सुचारू रूप से लागू नहीं कर पाए थे, लागू हुआ, पास हुआ, कुछ समय चला भी, लेकिन बाद में सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि यूपीए सरकार ने आते ही इस बिल को बदल दिया और क्या कर दिया, आरटीआई एक्ट। ठीक है, कैसे करा अभी देखते हैं। देखो, संसद में प्रस्तुत हुआ जो कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया, जो कि 2 वर्षों से रुका हुआ था, 2 वर्षों से कैसे, प्यारे बच्चों, सन 1996 में जब यहाँ पे चुनाव हो रहे थे देश के अंदर, तो उन चुनावों के अंदर जो सरकार थी एचपी देवगौड़ा व अन्य जो सारे के सारे जो भी पार्टियां थी, एक गठजोड़ वाली सरकार बनी थी, और वो सरकार टूटी भी, वापस भी मिली, फिर वापस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार बनाई, कई उन्होंने आईवीएस डेवलपमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आए थे, उस समय पर हम स्कूलों में पढ़ते थे, उस समय पर कौन सी क्लास में थे, शायद 3rd 4th में थे, लेकिन सुनता बहुत थे उनके बारे में।
तो वो जब सरकार बनी थी तो उस सरकार के समय उन्होंने, इन सरकारों ने सभी ने ये कहा था कि हम 6 माह में आरटीआई जो एक्ट है पर्टिकुलर 6 महीने के अंदर लेके आ जाएंगे, लेकिन वो लेके नहीं आ पाए थे। ठीक है, 6 महीने के अंदर लाने था लेकिन लेके नहीं आए। उसके पश्चात सन 2002 के अंदर इन्होंने इसको पास किया। 2002 के अंदर जो पास करने वाली थी, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि कौन थी, वसुंधरा राजे। उस टाइम पे जो वसुंधरा राजे जी थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री है राजस्थान की, वसुंधरा राजे जी ने इसे केंद्र के पटल पर रखा था। मतलब सदन के अंदर किन्होंने प्रस्तुत किया था, वसुंधरा राजे जी ने, किसको, द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल को प्रस्तुत करने वाले जो मंत्री थे उस समय पे, वो थे कौन, वसुंधरा राजे जी, जो इंफॉर्मेशन उस टाइम पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, देखिएगा। अब इंफॉर्मेशन बिल वॉज फाइनली पास ऑन 16 दिसंबर 2002। तो प्रथम बिल देश में पास होने वाला कौन सा है, द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल, सूचना की स्वतंत्रता विधेयक, जो कब पास हुआ था पर्टिकुलर अपने 16 दिसंबर 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे पारित किया था। कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी उस समय पे इन्होंने पास किया। पास करने के बाद में 6 जनवरी 2003 को भारत के अब तक के मेरे अनुसार सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इस बिल को हस्ताक्षर करके अधिनियम बना व लागू भी कर दिया गया था। किंतु किंतु आती है यहाँ पे यूपीए सरकार, उसने आते ही इस बिल को अपर्याप्त माना, अप्रभावी माना, मतलब उन्होंने इसको फंक्शनेबल नहीं माना। उन्होंने ये कहा कि भाई दिस बिल इज नॉट वर्केबल एंड फंक्शनेबल फॉर द नेशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इसको आते ही चेंज करने का पूरा नया मसौदा बना दिया, पूरा कंप्लीट एक पूरा एक लेके आ गए कि भाई पूरा कंप्लीट, अब नया आर्टिकल अपन पूरा नया बनाएंगे इसको 2004 में। ठीक है, नया यूपीए सरकार की अगर बात करें, यूपीए ने क्या करा, सन 2004 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति को क्या बनाई, नेशनल एडवाइजरी कमेटी का फॉर्मेशन करा। कब, 2004 में नैक, यूपीए सरकार ने क्या बनाया, नैक बनाया सबसे पहले। और नैक ने एक नया प्रारूप, एक नया पर्टिकुलर क्या दिया, नया प्रारूप तैयार किया। नया प्रारूप तैयार करके उसे इस प्रारूप को संसद में 11 मई 2005 को, ठीक है, जो नैक ने दिया प्रारूप, उस प्रारूप को कब पारित किया गया, नया प्रारूप कब गया भाई, 11 मई को, कब किया गया, 11 मई सन 2005 को सदन में प्रस्तुत किया गया और उसे पारित भी कर दिया गया। साथ ही साथ क्या कर दिया गया, 11 मई 2005 को सदन के अंदर पारित कर दिया गया, और जिसे स्वीकृति मिली, इसी पर्टिकुलर अधिनियम को स्वीकृति मिली राष्ट्रपति की, कब मिली थी भाई, 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को इसको राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दे दी गई थी। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो आरटीआई एक्ट 2005 है, उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति कब दी गई थी, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की क्या मिल गई, इनको स्वीकृति मिल गई कि भाई बिल ठीक है, इसको लागू कर दो पूरे देश भर में। ठीक है, आगे बात समझ में, देखिएगा। इसके पश्चात में अब देश में यह बिल लागू कब हुआ, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, लागू होने का जो समय था वो था 12 अक्टूबर 2005। तो कुछ कुछ समय यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखिएगा, जे एंड के कौन सा ऐसा राज्य था वो जो छोड़ा गया था, वो छोड़ा गया था जे एंड के, जहाँ पे इसका खुद का अलग से अधिनियम इन्होंने बना रखा है। ठीक है, और जे एंड के को छोड़कर, जे एंड के को छोड़ पूरे देश भर में, पूरे भारतवर्ष में इसको लागू किया गया कब, 12 अक्टूबर सन 2005 को पूरे देश में आरटीआई एक्ट लागू हो गया, जो वर्तमान में आरटीआई एक्ट 2005 के नाम से आपके लिए जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आरटीआई एक्ट 2005 के नाम से जाने वाला जो एक्ट है वो लागू हो गया। सूचना का अधिकार अधिनियम आपके लिए कब लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को, इस तरह से नींव पढ़ते पढ़ते इसके लागू हो गया। और इसी दिन अगर आपके लिए प्रश्न आ जाए, जो पूर्व में दिसंबर में आपके लिए लागू किया था सन 2002 के अंदर जो लागू हुआ था, 16 दिसंबर 2002 को जो पर्टिकुलर लागू हुआ था, 6 जनवरी 2003 में जिसको राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की मोहर लगाई गई थी, जो कहलाता है द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल, वो ध्यान रखिएगा 12 अक्टूबर 2005 को स्वतः ही खत्म हो जाता है। क्यों, वो अपने आप ही निरस्त हो जाता है, उसे निरस्त कर दिया जाता है जैसे ही आरटीआई एक्ट 2005 नया लागू हो जाता है। इस अधिनियम के आते ही पुराना अधिनियम अपने आप में क्या हो जाता है, एक तरह से डेप्ट हो जाता है, वो अपने आप ही निष्फल हो जाता है, वो है ही नहीं। ठीक है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि अब यही लागू हो जाएगा ना पूरे देश में। ठीक है ना, 1990 के अंदर सूचना के अधिकार बनाने की पहल किसने करी थी, ध्यान रखिएगा कि
कहां पे इसको लिखा गया था, न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर ने अपनी पुस्तक सूचना की आजादी में करी थी 1990 में। अगर बात करें 1990 में, ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति जो जस्ट थे वी आर कृष्णा अय्यर। तो क्वेश्चन अपन ये नहीं लेके चलेंगे, क्वेश्चन क्या आएगा, वी आर कृष्णा अय्यर की किस पुस्तक में, वी आर कृष्णा अय्यर की किस पुस्तक के अंदर, ठीक है, तो किस पुस्तक के अंदर भाई साहब, सूचना की आजादी, कौन सी पुस्तक थी, इनकी पुस्तक का नाम है सूचना की आजादी, ध्यान रखिएगा, जिसमें सूचना के अधिकार की बात करी गई थी, ध्यान रखिएगा, सूचना अधिकार बनाने की पहल की बात करी गई थी, लेकिन जो पुस्तक का नाम है वो क्या है, सूचना की आजादी। कौन थे जज, न्यायमूर्ति थे, क्या नाम था, वी आर कृष्णा अय्यर। राजस्थान में श्रीमती अरुणा राय ने पंचायती राज व्यवस्था में सूचना के अधिकार और जन सुनवाई अभियान शुरू किए थे, और इसी के साथ में यहाँ पे इन्हीं के साथ में अलग से आपको पता है दिल्ली के अंदर कौन जो वर्तमान में चेयर, जो वर्तमान में सीएम है, कौन है भाई, अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने भी यही काम किया था, घने लाठी डंडे खाए हैं, किस काम में, वहाँ पे पर्टिकुलर काम करते हुए उन्होंने इतने लाठी डंडे खाए, इतना उनको बुरी तरीके से पीटा गया है ना दिल्ली के अंदर, जिसकी कोई हद नहीं। आईआरएस से रिटायरमेंट लेने के बाद में और अपने वॉलेंट्री रिटायरमेंट उन्होंने लिया, उसके बाद में उनकी इतनी ठुकाई हुई है ना, किस लिए, राशन की दुकानों में आरटीआई लगा के लगाना उनसे कि भाई किसको दिया किसको नहीं दिया राशन, ऐसे ही फर्जी पास करवा रहे हो, तो बहुत ही कुटाई हुई है, भयंकर वाली, पूछो मत। जो चांटे आज खाते थे वो पहले बहुत ज़्यादा पड़ते थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बंदा सही भी है, ध्यान रखना, है ना। और बहुत सारे चेंजेस मनीष सिसोदिया जी ने भी करे हैं उनके साथ में, और वर्तमान में आपको पता है उन्होंने वो तो बहुत बेहतर चेंजेस ला रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, आप रिसेंटली आप देखेंगे डेवलपमेंट तो पता चलेगा। देखो, राजस्थान में श्रीमती अरुणा राय ने पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के अंदर क्या करा, सूचना के अधिकार की जन सुनवाई अभियान शुरू करे थे। तो राजस्थान में अगर बात आ जाए कि जन सुनवाई अभियान की शुरुआत किसने करी थी, तो भाई साहब जन सुनवाई अभियान की राजस्थान में शुरुआत करने वाली जो महिला थी उनका नाम था अरुणा राय। राजस्थान में जन सुनवाई अभियान के द्वारा, कौन से अभियान के द्वारा, जन सुनवाई अभियान के द्वारा, ठीक है, जन सुनवाई अभियान की शुरुआत किसने करी थी, अरुणा राय जी ने करी थी, ध्यान रखिएगा, किसने करी, अपने अरुणा राय जी ने, ठीक है। भैया वैसे मैं कोशिश करूंगा कि जैसे टाइपिस्ट आता है आपको सारे टाइप फॉर्मेट में मिले, जिससे आपको इजीली लर्नेबल हो और आप मार्किंग भी कर सकें, और मैं यही चाहूंगा कि आपको जो भी पर्टिकुलर नोटिंग है ये आपको पहले से ही दे दूं, मुझे कोई शौक नहीं आ रहा डिले करने में, मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा, मैं खुद चाहता हूं कि भाई साहब जो बना हुआ है आपको कंप्लीट डिलीवर करके फटाफट मैं भी फ्री हूं। मेरे पास भी समय नहीं है, आपके पास भी समय नहीं है, दोनों के पास समय नहीं है, तो हम क्या चाहेंगे दोनों के दोनों कि सर जितनी जल्दी हो सके कर दो, लेकिन उसके लिए आपको मुझे समझना होगा और मैं आपको समझ ही रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंटेंट में आपको बिल्कुल भी, आप देखेंगे कंटेंट में 1% भी आपको कमी नहीं आएगी, ये कंटेंट मैं एक एक ढूंढ ढूंढ के लिखूंगा हर जगह से, जो कंटेंट हर किताबों में नहीं है वहाँ से निकाल के आपके लिए लिख रहा हूँ, आप अगर पेशेंस रखेंगे आपको चीज़ बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। 1994 से लेकर 1998 स्थापना के समय की बात है, सबसे ज़्यादा उग्र आंदोलन अगर सूचना के अधिकार के समय पे किए गए थे तो वो जन आंदोलन कब हुए थे, 1994 से लेकर 1998 के बीच में, और यहाँ पे ही 1996 में अन्य सरकारों ने क्या करा था, अपने घोषणा पत्र में आपको बताया था ना बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो समय सारणी है ये आपको सिर्फ रटने के लिए नहीं है, ये आपको समझने के लिए, ठीक है। समस्त घोषणा पत्रों में चुनावों के अंदर 1996 के चुनाव, समस्त घोषणा पत्रों में हर एक सरकार ने यूपीए सरकार को छोड़कर सभी सरकारों ने क्या कहा था, इसको अपने उसमें डाला था, घोषणा पत्र में डाला था, लेकिन यूपीए ने नहीं डाला था। 1994 से लेकर 1998 तक बहुत अच्छा जन आंदोलन इसके लिए चले थे, ये देखो यहाँ आगे आ भी गई, देखो 1996 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को छोड़ सभी दलों के घोषणा पत्र में यह सम्मिलित किया गया था, खंडित जनादेश, 14 दलों की संयुक्त सरकार बनी थी, जिन्होंने ये बताया था कि 14 दल आए थे कुल उसके अंदर 1996 में, 14 दलों की संयुक्त मोर्चा सरकार बनी, उसके परिपत्र में उन्होंने क्या कहा था, सूचना का स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार निर्देशक तैयार कर 6 माह के भीतर संसद में प्रस्तुत करने की बात करी थी। सरकार किसकी थी, ठीक है, पहली सरकार पूरे भारत में, वो सरकार जिसने सूचना के अधिकार बनाने की पहल करी थी वो थी HD देवगौड़ा, ठीक है, पहल करने वाले पूरे देश में भारत के लिए HD देवगौड़ा व इंद्र कुमार गुजराल की सरकार ने, किसने, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार ने पहल करी थी, किसकी, सूचना के अधिकार के विधेयक की, कब करी थी, 1996 के चुनावों के बाद में, ठीक है, 1996 के चुनावों के बाद में। लेकिन आपको पता है वाजपेयी सरकार ने
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कब 16 दिसंबर सन 2002 को किसको पारित किया था? द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल को। लेकिन उसके बाद में अपना आया 12 अक्टूबर किसको? 2005 को यूपीए सरकार। सारा मामला बदल दिया कि भाई हम राजा हैं इस देश के, उन्होंने ये साबित वापस दोबारा से कर दिया, लेकिन अब पता नहीं कहाँ पे है। ठीक है, चलो। भारतीय प्रेस परिषद ने, इंडियन प्रेस काउंसिल ने सितंबर 1996 में आरटीआई मॉडल तैयार करके दिया। अध्यक्ष थे भारतीय प्रेस परिषद के उस समय पे न्यायमूर्ति पीवी सावंत ने देश में सर्वप्रथम आरटीआई मॉडल, ध्यान रखिएगा बच्चों, सर्वप्रथम आरटीआई का अगर किसी ने मॉडल दिया है तो किसने दिया है? अपनी ही भारतीय प्रेस परिषद ने, इंडियन प्रेस काउंसिल में। उस समय पे अध्यक्ष कौन थे? पीवी सावंत। कौन अध्यक्ष थे? पीवी सावंत, ध्यान रखिएगा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन प्रेस काउंसिल इन सितंबर 1996 फॉर द फर्स्ट आरटीआई मॉडल। ठीक है ना, तो वहां पे चेयरमैन कौन थे? पीवी सावंत चेयरमैन थे, एज ए अध्यक्ष थे, न्यायमूर्ति थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिटायर्ड जज थे। 1997 जनवरी में संयुक्त मोर्चा सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता मॉडल विधेयक तैयार करा, उसके अध्यक्ष थे एसडी सोरी। ठीक है, सूचना का स्वतंत्रता मॉडल का 1997 जो सरकार थी उसने तैयार करा, तो वहां पे अध्यक्ष कौन थे? एसडी सोरी। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 16 दिसंबर 2002 को, ठीक है, ध्वनिमत से पारित होकर पटल पर रखवाया गया था वसुंधरा राजे ने। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ऊपर कि वसुंधरा राजे ने रखवाया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, अब कुछ बात कर लेते हैं इंटरनेशनली जो चल रही है बातें। ये सब बात करने से पहले आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, एक पॉइंट मेरे दिमाग से स्किप भी कर गया था, फॉर द टाइम सॉरी, हो जाता है कभी कभी। ये वास्तविक रूप से सूचना का अधिकार अपने लिए क्यों जरूरी है कि देखो, प्रेस के पास सूचना का अधिकार खुद के पास होना चाहिए, क्योंकि उनको अभिव्यक्ति करनी होती है, उनको एक्सप्रेस करने होते हैं, अपने थॉट्स बताने होते हैं। ठीक है, लेकिन एक उनकी निर्धारित सीमा भी होती है कि उसी निर्धारित सीमा के अंदर करें, अन्यथा वो चीज़ गलत भी मानी जा सकती है। सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वो अपनी 19(1)(1)(1)(1) के तहत एक तरह से सूचना व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अपने मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों के अधीन ही सो माना गया है, तो सूचना का अधिकार उसमें एक 8वां पॉइंट उनके अंदर आता है। जो सूचना का अधिकार 19(1)(a) के तहत एक 8वें नंबर का जो है वो अधिकार उनमें दिया गया है, जिसमें इसी में अपने दूसरे नंबर पे मेंशन है प्रेस की स्वतंत्रता भी। प्रेस की स्वतंत्रता भी उसी के अंदर अभिव्यक्ति व सूचना का जो स्वतंत्रता है उसी के अंदर इसमें भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो बोलने की स्वतंत्रता भी इसे कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, ध्यान रखें, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसे कहा जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a)। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक तरह से फंडामेंटल राइट के अधीन ही आएगा सूचना का अधिकार, लेकिन सूचना का अधिकार इसके अधीन बना के इसको एक अलग से आरटीआई एक्ट पारित किया गया, जिससे इस अधिकार की रक्षा करी जा सके। ठीक है, इसमें कुछ नियमावली भी जोड़ी गई, नियमावली अपन अलग से चर्चा करते रहेंगे, एक वीडियो आपके लिए यह, अगला वीडियो भी आएगा, लेकिन अभी गवर्नमेंट में जो ये वीडियो है जितना हो सकता है मैं कंप्लीट कराने की कोशिश कर लेता हूँ, ज़्यादा लंबा भी नहीं लूँगा आपके लिए, जिससे आपको टिपिकल हो, ठीक है, समझने में। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान रखिएगा, आपको अगर समझ में नहीं आए प्यारे बच्चों तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर पिंग कीजिएगा, नो डाउट आपके जो भी शंकाएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो मैं आपके नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली 100% सॉल्व करूंगा। अगर आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं तो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जैसा भी आपको लगा हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ बायलिंगुअल रहने की, लेकिन बात यह है कि बार बार फ्लो में निकल जाता है, मोस्टली वर्बल टॉक्स ही हैं इसके अंदर, समझाने की चीज़ें हैं, समझा देता हूँ, याद करवा देता हूँ, यहाँ की यहीं क्लास के अंदर याद करके जाओ और आराम से वीडियो देखो। वीडियो को 2x पे या 1.5x पे देखना, वीडियो को 2x पे 1.5x की स्पीड पे देखिएगा अपनी सेटिंग में। ठीक है, ऐसे सेटिंग का आइकन बना हुआ होगा स्टार टाइप, उसमें जाके वहाँ पे 1.5x या 2x में देखिएगा, जिससे आपका समय व्यर्थ ना जाए। मैं चाहता हूँ आपकी 50 मिनट की क्लास हो तो आप उसको 25 मिनट खत्म करो, क्यों टाइम वेस्ट करना भाई, उसी को दो बार देख लो। मैंने आपको चांसेस जो है ना 7 से 9 कर दिए हैं जस्ट फॉर यू, आप 9 बार एक वीडियो को देख पा रहे हो, और बताओ उससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, इसलिए आपके लिए करा है मैंने, दूसरे के लिए नहीं करा है। ठीक है, अपने बच्चों का बैच का रिजल्ट चाहिए भाई मेरे को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1946 में महासभा जो यूएनए है वहां पे प्रथम सत्र संकल्प संख्या 59(1) मतलब 59(1) में सूचना अधिकार को, तो सर्वप्रथम सूचना अधिकार को मौलिक अधिकार कहां माना गया था? सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया था यूएनओ में, कहां पे?
यूएनओ में एक तरीके से फंडामेंटल राइट के तौर पे माना गया। कब माना गया था? सिक्योरिटी काउंसिल के टाइम पे, महासभा के टाइम पे जो है 1946 में इसे माना गया था। इसका प्रथम सत्र था, संकल्प संख्या क्या थी 59(1) में, सूचना के अधिकार को एक तरीके से मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट माना गया था। इसे स्वतंत्रताओं की आधारशिला और इसे कहा क्या कहा जाता है, बेस ऑफ ऑल फ्रीडम्स, ठीक है, सारी स्वतंत्रता है उनकी एक तरह से आधार कहा जाता है। और इसके बिना विचार की अभिव्यक्ति, कोई भी आपका थॉट हो उसको एक्सप्रेस कर सके, इसकी स्वतंत्रता का महत्व ही नहीं है। अगर आपके पास सूचना का अधिकार नहीं है तो विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं होता। अगर मान लो मेरे पास किसी सूचना को लेने का अधिकार नहीं है, मैं कुछ के बारे में जानना चाहता हूँ, तो भाई मैं अपने विचारों को, अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ जबकि मुझे उसके संबंध से रिलेटेड डाटा ही मेरे पास नहीं है। तो एक तरह से इसलिए ही सूचना के अधिकार में विचार की अभिव्यक्ति आवश्यक रूप से एक मूल अधिकार में अंतर्गत आ जाती है। यूएनओ ने दिसंबर 1948 के बाद में अपने घोषणा पत्र के अनुच्छेद 19 में प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब एवरी पर्सन, जो भी पर्टिकुलर है, एवरी पर्सन को विचार और आम व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति, क्योंकि सॉरी ये आम व्यक्ति नहीं है बच्चों, ये अभिव्यक्ति है, ठीक है, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन का स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ पे एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है, मेनी वॉइसेस वन वर्ल्ड की रिपोर्ट, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, अगर बन जाए तो बहुत ही बढ़िया है ना। मेनी वॉइसेस वन वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, उसमें कहा गया था सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता, सूचना की स्वतंत्रता के बगैर अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेसिंग, ठीक है, एक्सप्रेशन की जो आज़ादी है, एक्सप्रेशन का जो पर्टिकुलर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो पर्टिकुलर अपन उसकी अवधारणा को क्या मानेंगे, अधूरा मानेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अवधारणा को अपन अधूरा मानते हैं, किसके बिना, विदाउट फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ध्यान रखिए, विदाउट राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन के बिना अपन इसको अधूरा मानते हैं, ठीक है। अधिनियम के उद्देश्य आम जनता, नॉर्मल आपके जो पब्लिक है, उसको किसी भी सरकारी रिकॉर्ड, ठीक है, दस्तावेज, ईमेल, विज्ञप्ति, आप नोटिफिकेशन ले लो, परिपत्र ले लो, गजट ले लो, ठीक है, ऑर्डर ले लो, कोई लॉग बुक पर्टिकुलर ले लो, कोई संविधान, आप कोई बिल वगैरह आप कोई पास हो रहे हैं उनको ले लो, कोई आपका ऑक्शन निकल रहा है वो ले लो, कोई रिपोर्ट पर्टिकुलर आप ले सकते हो, नमूने किसी का सैंपल वगैरह आप लेना चाहो वो, ठीक है, मॉडल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रूप के अंदर कोई भी आप सामग्री ले सकते हो, चाहे सीडी हो, चाहे फ्लोपी हो, चाहे डीवीडी हो, चाहे आप मेल के द्वारा मंगाए, इन तक जो भी एकत्रित, अभी तो वर्तमान में सारे एकत्रित आंकड़े जो भी सरकार के पास हैं उन तक आपकी पहुंच बनाना ही वास्तविक रूप से इस अधिनियम का क्या है, उद्देश्य है, पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। सूचना से तात्पर्य सूचना किसी भी राज्य या किसी भी लोक निकाय के क्रियाकलापों आप बोल सकते हो, जो भी इनके एक्शंस हैं, से संबंधित कोई भी सामग्री, एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, एदर इट बी इन एनी फॉर्म, प्रिंट और डिजिटल, ठीक है, सूचना से या सूचना अभिप्रेत है, उन्हें पर्टिकुलर आपको दिया जाएगा। ये राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 की धारा 2 में भी समान रूप से वर्णित है, ठीक है, ये तो है ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर और मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आ भी सकता है। धारा कुछ में डाला गया, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये डाला गया था धारा 2 के अंदर, ठीक है, धारा 2 के अंदर कुछ रूप से इसकी बस में स्पष्ट रूप से परिभाषा दी गई कि सूचना से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख, कोई पर्टिकुलर आपका कोई आर्टिकल है वो, ठीक है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, कोई भी आपका ज्ञापन है जो आप दे रहे हैं, इसके अलावा कोई मेल हो, कोई आपका मत हो, कोई आपका वोट हो, कोई आपकी सलाह हो, आपकी कोई एडवाइस हो पर्टिकुलर, वो सूचना के अंदर या तो उसका सूचना का अर्थ क्या है वो बता रहा हूँ आपको, कोई भी आपका प्रेस नोटिफिकेशन है, कोई भी आपका परिपत्र, कोई पर्टिकुलर आर्टिकल आपके लिए आ रहा हो, कोई ऑर्डर आ रहा हो, कोई लॉग बुक हो, संविदा हो, वही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है, इन्हें सब एक तरीके से क्या माना जाएगा, सूचना ही माना जाएगा, ठीक है। ये धारा 2 के अंदर आएगा, धारा 2 के तहत 6 में आने वाला है सूचना, ठीक है, वो छोड़ो इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपन ने आपको एक क्रिस्प पूरा ले लिया है, 50-60 मिनट के अंदर पूरा आपको खत्म। अधिनियम की परिभाषा, अधिनियम की प्रस्तावना, प्रीएम्बल में साफ साफ लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि यह अधिनियम नागरिकों के लिए सूचना क्या अधिकार के व्यवहारिक शासन को स्थापित करने के लिए एक अधिनियम है। व्यवहारिक शासन मतलब बिहेवियरल है ना, बिहेवियरल जो भी आपका है पर्टिकुलर ध्यान रखिएगा, चलिएगा, जिसमें प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक प्राधिकरण वो जो सरकार के अधीन आते हैं और जो एक्चुअली क्या है, लिंक है बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट एंड पब्लिक,
ठीक है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कहलाता है, वास्तविक रूप से पब्लिक अथॉरिटी है जो मैनेज करती है सरकार के समस्त आदेशों को पब्लिक के द्वारा सुचारू रूप से क्रियान्वयन में, और यहाँ पे जनता को जो है पूरा अधिकार दिया जाता है कि आप पब्लिक अथॉरिटी में कोई भी कामकाज में उनमें पारदर्शिता बनी रहे और सरकार की जो भी स्कीम है, जो भी रेगुलेटरीज, जो भी बॉडीज है, जो भी आप सरकार आपको एक तरह से स्कीम्स में प्रोवाइड करा रही है, योजनाएं निकाल रही है आपके लिए, उन सब के बारे में आपके जो भी आपके करियर का जो भी आपके क्षेत्र के अंदर जो कार्य हो रहे हैं उन सभी के बारे में आप सारे कामकाज अच्छे से जान सकेंगे, पब्लिक अथॉरिटी आपके लिए कर क्या रही है। कामकाज में पारदर्शिता, एक तरह से ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही, रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण तक के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच, मतलब सार्वजनिक जो भी आपके पब्लिक अथॉरिटी है वहां तक आप क्या पहुंच सको, आपकी सूचना तक पहुंच हो सके, किसकी, आम जनता की, और इसी के आधार पे तो आपको क्या कहा जाएगा, सूचित जनता, मतलब इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी एक तरीके से आपको माना जाएगा। चलो सेलियंट फीचर्स ऑफ आरटीआई की बात कर लेते हैं। अधिनियम सूचना के अधिकार को प्रोग्रेसिव प्रगतिशील माना गया है, प्रोग्रेसिव है ही, डेफिनेटली है। आप अगर सूचना लेंगे किसी भी डिपार्टमेंट से, आप समझे इन चीज को, रटे नहीं, बिल्कुल रटे नहीं, ध्यान रखिएगा, आप किसी भी पर्टिकुलर सूचना किसी भी डिपार्टमेंट से अगर लेते हैं तो क्या आपको एक तरह से डेवलपिंग नेशंस के तौर पे आप आ रहे हैं, आप डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, आपकी सोच बढ़ रही है, आप जागरूक हो रहे हैं, आप देश को सुधारना चाहते हैं, तो आपको प्रगतिशील अपने आप ही आपको बनाता है, ठीक है, अधिनियम सूचना के अधिकार को, ठीक है, सूचना के अधिकार को बना रहे हैं ना प्रगतिशील, तो समान रूप से ये उसको भी प्रगतिशील बना रहा है। पार्टिसिपेटरी, आप भागीदारी ले रहे हैं तो सूचना का अधिकार भागीदारीपूर्ण निभाता है अपने आप ही, मीनिंगफुल सार्थक बनाता है पूरे देश के अंदर अधिनियम लागू होते ही, ठीक है, सूचना के अधिकार को। सूचना का अधिकार ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया 19(1) के तहत एक तरह से सूचना का अधिकार को मूल अधिकार में भी रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आम नागरिक की शासन में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक जो है उनका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रूलिंग में सूचना मांगने में प्राप्ति का अधिकार आपको दे रखा है, भाई अधिकार तो है ही, सूचना का अधिकार हमें दे रखा है, तो समस्त संवैधानिक प्राधिकरण, ठीक है, सारे के सारे संवैधानिक प्राधिकरण जो भी हैं, अथॉरिटीज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, निकाय हैं, लोकल बॉडीज़ की बात कर लो, यहाँ पे लोकल निकाय, जन निकाय की भी बात आ सकती है, लोकल बॉडीज़ भी आ सकती हैं, सारी लोकल बॉडीज़ आपके अधीन आती है सूचना के अधिकार में। केंद्र सरकार पूर्ण रूप से, राज्य सरकार पूर्ण रूप से, स्थानीय निकाय पूरे तरीके से, और गैर सरकारी संगठन जो कि कहलाते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि क्या है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पोषित है, पोषित मतलब फंडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, दोज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हु आर फंडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, दे ऑल्सो कम अंडर आरटीआई एक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ जो है अनुसूची दो के तहत, एक्ट की अनुसूची दो के तहत, अभी आपको बताऊंगा अभी आगे फ्यूचर में, अनुसूची दो के तहत कुछ जो इंटेलिजेंस के विभाग हैं, अनुसूची दो है उसके तहत कुछ विभागों को यहां से बाहर निकाल के आरटीआई के एक्ट के तहत नहीं दिया गया, लेकिन लेकिन चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कहां पे, भाई साहब चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में सीआईसी की आज्ञा से वहां से आप सूचना निकाल सकते हैं, कब, जब वहां पे किसी तरह का करप्शन का आपको पूरा 100% श्योरिटी हो जाए कि करप्शन बहुत तगड़ा वाला है, उस केस के अंदर चाहे सीआईसी की बात करो सेंट्रल वाली, चाहे स्टेट वाली बात करो, एसआईसी जो बोलेंगे राजस्थान में, आरआईसी हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान सूचना आयोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वहां से आप उन निकायों के बारे में सूचना ले सकते हैं जिनका अधिकार नहीं है, लेकिन वहां की सूचना लेने के लिए आपको जो पर्टिकुलर सीआईसी है उसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी, मतलब मुख्य सूचना आयोग की आज्ञा लेनी पड़ेगी, उनकी आज्ञा लेना जरूरी आपके लिए हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप इन अनुसूची दो में जो भी निकाय हैं उनकी सूचना चाहते हैं तो वो उन सूचना कब मिलेगी, जब वहां पे बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार आपको लगे तब ही। अधिनियम की धारा चार, अधिनियम की धारा चार के अधीन प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण जो कि पब्लिक अथॉरिटी को स्वयं प्रेरणा सुओ मोटो से जनता को अपेक्षित सूचना देने का दायित्व बनता है, मतलब दे आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, आज इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन ऑफ नेशन अंडर सेक्शन 4 ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट, जो आरटीआई एक्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आम नागरिक को सूचना के लिए, आम नागरिक को सूचना के लिए छोट में बता देते हैं भाई साहब, आस्थिक रूप से 10 रुपये का शुल्क आपका लगता है, शुल्क जो है, ठीक है, सूचना का अधिकार लाने के लिए शुल्क जो है वो है 10 रुपये का, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है जिनकी आय जो है पहले, जिनके पास बीपीएल का कार्ड बना हुआ है, बीपीएल कार्ड धारकों के लिए ये निःशुल्क है,
बीपीएल कार्ड धारक के बच्चों ये निःशुल्क है। लेकिन इसी के अंदर एक और है कि पर्टिकुलर यहाँ पे अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमें सूचना का जाके निरीक्षण करना है कि आप किसी डिपार्टमेंट में आपने सूचना मंगा ली, अब आपको पक्का हो गया कि ये सूचना तो वही है और आपको ये लग गया कि ये सूचना तो भाई मुझे झूठी सूचना दे दी, मतलब आपको लगा कि भाई साहब ये सूचना तो आपने मुझे झूठी दे दी, जो आपको सूचना के अधिकार के तहत सूचना दी गई वो सूचना कौन सी है, झूठी सूचना है या मोल्डेड है, मॉडिफाइड है, आपको लगा ये ओरिजिनल नहीं है, आपको झूठी सूचना दी गई है, आप उसका क्या करना चाहते हैं, इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, आप इंस्पेक्शन के लिए वापस से आरटीआई लगा सकते हैं। ये बात बच्चों आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ, आरटीआई में पर्टिकुलर आपको इंस्पेक्शन की भी सूचना मिलती है, आप जाके वहाँ इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। ये इंस्पेक्शन करने क्या मुँह से निकल रहे थे बोलते बोलते इंस्पेक्शन करने के लिए आपको 15 रुपीज, पहले तो स्टार्टिंग 30 मिनट्स तक आपको 30 मिनट्स तो 1 आवर रहता है, तब तक आपको फ्री रहता है बिल्कुल, आप जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर डेट एवरी 15 मिनट्स फॉर एवरी 15 मिनट्स यू आर चार्ज्ड 5 रुपीज, मतलब आपको 5 रुपये प्रति 15 मिनट के देने पड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अधिनियम की धारा 7 सेक्शन 7 के अनुसार वांछित सूचना PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एक तो आपका सहायक सूचना अधिकारी होता है APIO, एक होता है PIO, ठीक है, और उसके ऊपर होता है IC और उसके ऊपर आपका CIC मुख्य सूचना आयुक्त वगैरह ये होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर आपको मतलब इन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है, इनके ऊपर कार्रवाई भी होती रहती है, सबसे ऊपर ये है, ठीक है, चाहे स्टेट की बात हो चाहे सेंट्रल की बात करो, और एक राज्य में कुल मैक्सिमम अधिकतम 10 हो सकते हैं, कौन IC, 10 से अधिक IC नहीं होते, सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त 10 से अधिक नहीं हो सकते और मुख्य सूचना आयुक्त मात्र कितना रहता है, 1, ठीक है, कौन कौन नियुक्त करता है बाकी बात करेंगे अपन। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार वांछित सूचना PIO द्वारा 30 दिन के भीतर, मान लो आपने RTI आज दायर करी 1 जनवरी को, ठीक है, मतलब अब भविष्य में RTI दायर करी, मान लो 1 जनवरी को, एक तरह से एग्जांपल देके RTI एक्ट के तहत आपने 1 जनवरी को RTI मांगी, तो आपको 30 जनवरी के तक आपके पास क्या आ जानी चाहिए, सूचना आ जानी चाहिए। ये कहाँ मेंशन है, धारा 7 का विषय में मेंशन है साफ साफ कि PIO द्वारा 30 दिन के भीतर उपलब्ध करवाना आवश्यक है। अगर ये सूचना आप APIO से लेते हैं, किससे, सहायक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी किसे मांगते हैं, तो यहाँ पे 5 दिन का अधिक समय दिया गया है जो कि हो जाता है 35 दिन, ठीक है, कितने दिन, 35 डेज इन केस ऑफ APIO को जाएगा 35 दिन, PIO को जाएगा 30 दिन, ये हो गई बात। यदि सूचना कोई तीसरा व्यक्ति चाहता है तो इस स्थिति में, भाई साहब सुनना मेरी बात को, ये तो है फर्स्ट पर्सन, ये है सेकेंड पर्सन, ये है थर्ड पर्सन, अब सुनना मेरी बात को, आपको सूचना चाहिए RTI में, आपने फाइल करी, मान लो मैंने फाइल करी RTI किसको, इसको, ठीक है, RTI किसको फाइल करी, IC को या फिर PIO को, ठीक है, PIO को मैंने RTI फाइल करी, लेकिन RTI फाइल किसके करी, इसने कहा कि भाई मेरी RTI फाइल कर, RTI फाइल किसने करी, इसने, तो इस स्थिति में कितना समय लग जाएगा, 40 दिन, ठीक है, 40 डेज, नाम मेरे है लेकिन सूचना इसके नाम से ले रहा हूँ मैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने डिमांड कराया, तो इस स्थिति में कितना लगेगा, 40 डेज, क्योंकि कोरियर तो इसके बाद जाएगा ना भाई, ठीक है, पता मैं इसका दूंगा, आधार कार्ड मेरा लगाऊंगा, सब कुछ मेरा दूंगा, समयावधि निकलने का अर्थ माना जाएगा, हाँ, अगर देखो 30 दिन, 35 दिन और 40 दिन, कि अगर मैं PIO के पास लगा रहा हूँ 30 दिन, APIO के पास लगा रहा हूँ अधिकतम 35 दिन, और अगर थर्ड पर्सन ले रहा है, कोई पर्टिकुलर थर्ड पर्सन है, उस केस में 40 दिन, ठीक है, थर्ड पर्सन वाले केस में, तो थर्ड पर्सन मांग रहा है सूचना मेरे द्वारा, मांग रहा है PIO से या PIO से, कि मान लो अभी वर्तमान में मेरी कोई भी सूचना मेरे को नहीं दे रहे, तो इस स्थिति में मैं किसी अन्य व्यक्ति के पास जाके वहाँ से एडवोकेट से लगवाऊंगा, नाम मेरे लगवाऊंगा, एडवोकेट तो को तो देनी पड़ेगी ना, जो एडवोकेट है अभी हमारा तो लोगों का नहीं आया, लेकिन दूसरे बंदे जो मेरे साथ वाले बन चुके हैं एडवोकेट, उनसे लगवा सकता हूँ मैं जाके, तो उस स्थिति में मेरे को कितने दिन लगेंगे, 40 दिन, समझ गए मेरी बात को, अगर मैं किसी एडवोकेट से लगवा रहा हूँ, किसी अन्य व्यक्ति से लगा रहा हूँ मेरे नाम से, है ना, तो उस स्थिति में कुल लगेंगे 40 दिन, 40 दिन वाले केस में अगर यहाँ पे सूचना नहीं दी जाती, तो इस सूचना को अगर इससे अधिक दिन लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं, अधिक दिन, तो बिना रिप्लाई के उसको क्या मान लिया जाएगा, इनकार मान लिया जाएगा, मींस PIO APIO हैव रिफ्यूज्ड टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन इन पर्टिकुलर टाइम लिमिट, मतलब साहब मना ही कर दिया, भाई साहब हम नहीं देंगे, कुछ भी कर लो आप। अगर किसी व्यक्ति का जीवन का
या फिर स्वतंत्रता लिबर्टी से संबंधित सूचना हो, वहाँ पे ये मांग बोला जाए आपको कि 48 घंटे के भीतर आपको सूचना देनी ही पड़ेगी। ये किसी भी केस में चाहे आप कहीं पे भी फाइल करो, अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की जीवन मरण से संबंधित सूचना हो या फिर स्वतंत्रता से संबंधित सूचना हो, मतलब वो जेल के अंदर हो, ऐसी कोई स्थिति हो, उस स्थिति के अंदर 48 घंटे के भीतर विदिन 48 आवर्स आपको वो सूचना प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। मान लो जेल हुई, कोई बंदा अंदर बैठा है, तो उस स्थिति में आपको 48 घंटे में सूचना देनी पड़ेगी अगर वो जेल के अंदर है तो। ठीक है, प्रथम अपील। अब यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी की भी बात कर लेंगे, लेकिन प्रथम अपील कहाँ जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, कि मान लो अगर APIO है जैसे, तो वहाँ पे पर्टिकुलर जो उस विभाग का अध्यक्ष है, विभाग अध्यक्ष, उसके पास में वो सूचना, मतलब वो पूछा जाता है कि भाई आप सूचना दे दो। अगर आप पर्टिकुलर वो APIO ने सूचना नहीं दी, तो आप 30 दिन निकल गए, आपने लगाई 30 दिन, आप उसके बाद में निकल गए, 30 दिन निकल के बाद में आप क्या कर सकते हो, 30 डेज निकलने के बाद, 30 दिन गुजरने के बाद में आप उसको क्या कर सकते हो, दूसरी अपील कर सकते हो, जो कि कहलाती है एक तरह से फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील का फेज हो गया। सेकेंड अपील, प्रथम अपील से असंतुष्ट हो गए, मतलब आपको रिप्लाई दे दिया 30 दिन के भीतर उन्होंने, फिर आपको प्रथम अपील से असंतुष्ट होने पर CIC जो कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है या फिर राजस्थान मुख्य सूचना आयुक्त है, ठीक है, उनको 90 दिन बाद की जाती है, मतलब इसके कितने दिनों बाद में, 90 डेज के बाद में आप इनको कंप्लेंट कर सकते हो, किसको, IC को, सूचना आयुक्त को, जो कि CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है उसको। प्रथम अपील निस्तारण समय 30 दिन और आवश्यकता अनुरूप कौन, भाई साहब ध्यान रखिएगा, विभागाध्यक्ष जो है पर्टिकुलर, वहाँ बोर्ड का जो चेयरमैन है वो पर्टिकुलर उसको 15 दिन बढ़ा भी सकता है, मतलब ये 30 दिन से कितने दिन हो सकता है, 45 दिन भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट अपील का रिप्लाई आ गया, उसके बाद में भी अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप 90 डेज के बाद में कहाँ लगा सकते हो, CIC में लगा सकते हो, ठीक है, 90 डेज के भीतर भीतर। चलिए, सूचना अधिकारी पर कार्रवाई, ध्यान रखिएगा, सूचना से इनकार करना की स्थिति में, अकारण देरी, आपने उसने कारण नहीं बताया और फिर भी फालतू नाटक करके देरी कर रहा है, मेरे से जलन है, मेरे से जलता है, उस स्थिति में जानबूझकर मजे लेना चाहता है, छोड़ रहे, फालतू नहीं देना सूचना, वो गलत सूचना आपको देता है, आपको अधूरी, मतलब आपको जानकारी देता ही नहीं है, आधी पूर्ति जानकारी दे रहा है, भ्रमित सूचना दे रहा है, जो आपको इधर से उधर आपको भटका रही है, आपको एग्जैक्ट पॉइंट आपको नहीं दे रहा है, उस स्थिति में नष्ट करने की सूचना देना कि भाई साहब मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, है ही नहीं, डिपार्टमेंट में अवेलेबल नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट ने सूचना को मिटा दिया है, ऐसी सूचना रोकने पर कि भाई मैं सूचना तुझसे तुझे नहीं लेने दूंगा, इस स्थिति में IC सूचना आयोग, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है, दे कैन टेक एक्शन ऑन PIO, किस पे, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं, ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं, एंड ऑल्सो दे कैन फाइन अपॉन देम 2250 रुपीज पर डे, ठीक है, पर डे के 2250 रुपये का चार्ज भी पर्टिकुलर लगा सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, किस स्थिति में, अगर वो इस तरह की कोई भी गलती करते हैं तो ये इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, बाकी बात अपन करते हैं आगे। कुछ बच्चों जानकारी वहाँ पे छूट गई थी वो मैं बता देता हूँ। भाषा जो RTI की है भाई साहब ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, मतलब अगर मारवाड़ी है तो मारवाड़ी में आप ले सकते हो लोकल लैंग्वेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोकल लैंग्वेज में भी आप सूचना की डिमांड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे तमिलनाडु में चलता है, तमिल के अंदर लेते हैं, ठीक है, तमिलनाडु में तमिल में सूचना ली जाती है, ठीक है, केरल में मलयालम में ली जाती है, तो वहाँ पे उस भाषा में लिख के ली जाती है, गुजरात में गुजराती में ली जाती है, गुजरात में तो गुजराती में ही होता सारा काम, आपने देखा भी होगा, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन राजस्थान है जहाँ पे पूरा काम हिंदी में हो रहा है। देखिए नेक्स्ट, सॉरी, प्रति पृष्ठ अगर आप उसकी फोटोकॉपी चाहते हैं कोई जानकारी की, ₹2 आपके पर पेज चार्ज किया जाएगा, ठीक है, ₹2 पर पेज आपको कॉपी मिलेगी, और इसके अलावा आप डिजिटल आप चाहते हैं, ये आ गई ना, देखो, निरीक्षण के लिए प्रथम घंटे निःशुल्क प्रथम घंटे था वहाँ पे, पश्चात उसके पश्चात ₹5 प्रत्येक 15 मिनट के लगेंगे, मतलब एक घंटा निकल गया। अगर आप निरीक्षण मतलब उनकी जाँच करना चाहते हैं, जाके देखना चाहते हैं कि यह क्या रियल में वैसे, तो 1 आवर तक तो क्या है, फ्री है आपके लिए, फ्री फॉर यू, एंड आफ्टर 1 आवर एवरी 15 मिनट यू विल बी चार्ज ₹5, ठीक है, आफ्टर एवरी 15 मिनट यू विल बी चार्ज ₹5, मतलब पर 15 मिनट के आपको चार्ज देंगे, ₹5 देने पड़ेंगे, किस चीज़ के देने पड़ेंगे, आप वहाँ जाके किसी दस्तावेज को पढ़ रहे हैं, वो दस्तावेज आपको ऑलरेडी कॉपी मिल गया, लेकिन आप चेक कर रहे हैं कि क्या ये ओरिजिनल है, उस स्थिति में आपको पर्टिकुलरली देना पड़ेगा। अगर आप उस पर्टिकुलर चीज़ की फ्लॉपी CD डिजिटल सूचना चाहते हैं तो उस स्थिति में उसकी प्राप्ति के लिए आपको ₹25 चार्ज किए जाएंगे, ₹25 आपको देने होंगे।
चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक काफ़ी होगा। कल अपन RIC और SIC की बात करेंगे 40 मिनट के 50 मिनट के वीडियो के अंदर। देखो तीन वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट शॉर्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और ऐसे ही आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। भाई साहब पूरा कंटेंट तगड़े तरीके से लिख रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अगर मेहनत पसंद आई हो, ध्यान रखिएगा, रटना नहीं है। पहली बात, आपको लगे ना रटना है तो प्यारे बच्चों रटना तो बिल्कुल नहीं है। सूचना आयोग की शक्तियाँ कल अपन बात कर लेंगे, अधिकारियों की नियुक्ति वगैरह कुछ नहीं है, फालतू की छोटी मोटी बातें हैं। रीडिंग वाला पार्ट है, दिस कंप्लीट सब्जेक्ट इज बेस्ड अपॉन योर रीडिंग एंड द कंसेप्ट विच यू कैन क्लियर इन अ शॉर्ट टाइम प्रोसेस। और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सिर्फ आप समझिए कि किस तरह से एक अपन कहाँ कहाँ कैसे कैसे फाइल कर सकते हैं, कैसे आप न्यूज़ रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कैसे आप पर्टिकुलर किस तरह के आपको इंटरव्यूज लेने हैं, किस तरह का वो इंटरव्यू होगा, ठीक है, एक फीचर कैसी होगी पर्टिकुलर, ठीक है। तो वो सारी की सारी अपन रिपोर्टिंग टेक्निक्स की अपन बात करेंगे, तो एडिटिंग की अपन बात करेंगे, फोटो एडिटिंग की अपन बात करेंगे, जर्नलिज्म होती कैसी है, टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म अपने, उसमें मोड्स कौन से हैं, 5W1H मॉडल, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें अपन जो है शॉर्ट शॉर्ट के अंदर लेके चलेंगे, जिससे क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको इसलिए लॉन्ग में ये वाली चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन इतने अच्छे से हो जाए कि आप जब पेपर करने बैठें तो अगर कोई क्वेश्चन आपको बाय द वे अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आ भी जाता है आउट ऑफ सिलेबस जाने की स्थिति में, मतलब आउट ऑफ सिलेबस, देखो भाई मैंने RTI आके बोला, ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी जाता है, इन दैट केस अपन वहां पे आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस बाय दिस, ठीक है। तो मैं ध्यान रखिएगा उन ऑप्शंस को आप क्या कर सकते हैं कि भाई ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, तो वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है यार, ये सबसे ज्यादा लग रहा है, इस पर डबल हो गया, इस पर सिंगल हो गया, तो अपन इस वाले पे तीन करके आ जाएंगे, ठीक है। ये कम लग रहा था तो इस स्थिति में अपन को ये वाला करके ही आना है। और मैं जैसे मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियोस में आपने यूट्यूब पे देखा होगा, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि RSSB बोर्ड जो है, पर्टिकुलर RSSB बोर्ड ने एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मतलब अच्छी चीज़ क्या, बहुत ये खामी है कि पहले तो नेगेटिव मार्किंग का कहते हैं और जब पेपर होने वाला होता है पेपर के 5-10 दिन पहले क्या कह देते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये पता नहीं क्या कांड चल रहा है, समझ में हमें भी नहीं आ रहा, मेरे को तो समझ में आया है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, मेरे को तो पूरा समझ में है कि क्यों पहले नेगेटिव मार्किंग का बोलते हैं फिर बाद में नेगेटिव मार्किंग मना करते हैं, ये मेरे को अच्छे से पता है, लेकिन वो बताने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि हम तो वो भुगत चुके हैं, सारी चीज़ें कर चुके हैं, अभी भी आगे कर रहे हैं, PIL का भी काम चल रहा है, वो आपको फ्यूचर में मिलता रहेगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी होगा, होपफुली अब देखते हैं, वीडियो आपके लिए बन चुका है अच्छा खासा, भाई साहब 1 घंटे का वीडियो है, 1 घंटे का लेक्चर है, अगर आपको 3 घंटे का लेक्चर ऐसे दे दूं और कंटिन्यू, मैं हार्डली 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। और मैं ये चाहता हूँ, देखो प्यारे बच्चों, शॉर्ट में बता दूं थोड़ा सा एक बात कि मैं आपके लिए जो टोटल जो क्लासेस हैं एक एक टॉपिक वाइज मान लो मैंने मैनेज कर लिए, आपके टोटल टॉपिक हो रहे हैं 60 और मैं चाहता हूँ आपकी क्लासेस हों 150, ठीक है, ये मैं चाह रहा हूँ। और 45 दिन जो है, 45 से लेकर आपका 50 दिन, 50 दिन अपन मान के चलें, उन 50 दिन के अंदर जो अपन टोटल कंटिन्यू डेली की कम से कम 2.5 घंटे की क्लास तो ले ही लें, ठीक है। 2.5 घंटे की क्लास तो मैं लेने की, मैं खुद पर्सनल कोशिश 2 घंटे की, 1.5 घंटे की तो मैं खुद लेना चाह रहा हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ कि एक फैकल्टी और मेरे पास आ जाए या 2 फैकल्टी भी आ जाए तो नो डाउट मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी विद द फैकल्टीज। मैं उन फैकल्टीज़ को ये चाहता हूँ कि वी आर हैविंग 3 पार्ट्स, Part B, Part C and Part D। आउट ऑफ दीज मैं एक पार्ट में से, हर पार्ट में कुछ ना कुछ मैं लेता रहूँगा, लेकिन जो बाकी अदर फैकल्टीज है वो भी तो कुछ ले लें, ठीक है। उसके अलावा मैं पार्ट ए में से मैं खुद पर्सनली चाह रहा हूँ किसी फैकल्टी को नहीं देके आपके लिए स्पेशल स्कीम्स मैं लूँ, आपके लिए RTE मैं लूँ, आपके लिए मनरेगा मैं लूँ और उनके क्वेश्चंस भी मैं बनाऊँ। उससे होगा क्या कि मैं ये कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ कि कहीं पर कोई फैकल्टी अगर कमी भी छोड़ रही है ना तो वो मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूँ, मतलब आपका स्कोर जो है वो मैं क्वेश्चंस वाइज आपके लिए ज़्यादा बढ़ा दूँ। बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, अपन बात करेंगे नेक्स्ट, अपन बात करेंगे इसी के संबंध में। और आप प्लीज़ आप अपने प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपको अपने रिव्यूज़ अवश्य देने हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे रिव्यूज़ कल जैसे ही आप वीडियो देखेंगे, आफ्टर डैट यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन पिंग मी ऑन माई पर्टिकुलर नंबर 7733070699। आपको ये 100% आपको पिंक करना है, आपको कोई चेंजेस चाहिए एंड आई विल ट्राई द चेंजेस इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। आप ये मत कीजिएगा सर अगले वीडियो में चेंज कर दो, नो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, लेकिन
3 to 4 वीडियोस में 1 जनवरी से टाइपिस्ट आते ही आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इंग्लिश की क्लासेस भी आपको कंटिन्यू ही मिलेगी, निश्चिंत रहिएगा। सारी इंग्लिश की क्लासेस मैं ही ले रहा हूँ आपके इंग्लिश के अंदर। अपन टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया था आपके लिए टेंसेस, ठीक है, टाइम एंड टेंसेस आपके लिए ट्रांसलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करने पड़े बात होगी। प्रीपोजिशन मेन आपके लिए, ये प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो प्रीपोजिशन दोनों पार्ट ही मैं आपके लिए लूँगा। ट्रांसलेशन आपके लिए पूरा कंप्लीट ट्रांसलेशन क्या कंटेंट चलता रहेगा, बुक्स आ चुकी हैं। टेक्निकल टर्म्स में आपके लिए पूरी मेरी पहले की बुक पब्लिश हो रखी है, वो टेक्निकल टर्म्स वाली बुक मैं आपको या तो उसकी फोटो खींच के भेज दूंगा जिससे आप टेक्निकल टर्म्स पूरी याद कर सकते हैं। चलिएगा स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। आप सभी को आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं, और चेन अवश्य रूप से लें। आपके पास आज से अपन देखें तो आपके पास टोटल जो अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स अपन बात करें तो कम से कम आपके पास आज से अपन देखें तो आपके पास 48 डेज आपके पास हैं, तो अपन 48 डेज का टारगेट लेके अपन इन क्लासेस को करने वाले हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 48 डेज से ज़्यादा है तो अपन चलते हैं अपने कक्षाओं की तरफ, बढ़ते हैं एक सफ़र की तरफ जो हमारे साथ रहेगा। फैकल्टीज़ जो भी मिल रही है आपके लिए बेस्ट फैकल्टीज मैं लेके आ रहा हूँ APRO के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर एंड ऑल दिस। और ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, आपकी पॉलिटिकल क्लासेस 1 आवर की नहीं करवा के मैं कोशिश करूँगा आपको 40-40 मिनट्स के 2 लेक्चर आपको डेली के मिलें। ठीक है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मतलब मैं चाहता हूँ कम से कम आपकी जो पॉलिटी की क्लास हो कम से कम 60 आवर्स की क्लासेस आपके लिए पॉलिटी की अवेलेबल हो जाएं। ठीक है, एक फैकल्टी टोटल क्लासेस डेली की 40-40 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दें। ठीक है जैसे जय जवान जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, और रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। ठीक है।